हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ है, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, इस पे चलेंगे। विश्व भारतीयम मीन्स सारे विश्व में हमारे भारतीय, ठीक है ना, ये सारा विश्व ही भारतीय। संस्कृत भाषा न केवल प्राचीन विश्व की प्राचीन भाषा है बल्कि वैज्ञान की भाषा भी है। इसमें हमारे पूर्व भारतीय जो पूर्वज सर्व का सभी का ज्ञान और विज्ञान निहित है, मीन्स रखा हुआ है ना। ऐसा भाषा भारतीय भाषाणाम, यह भाषा भारतीय भाषाओं की, भारतीय साहित्य की उपजीव मीन्स संरक्षित भाषा है। संस्कृत के बिना भारतीय भाषा, भारतीय साहित्य, वेद, उपनिषद, पुराण, कला, धर्म, संस्कृति, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है, ठीक है। पाणिनी व्याकरण की संस्कृत है। यह भाषा न केवल भारतीयों के सहित पाश्चात जो विद्वान है, विदेशी विद्वान, उनके लिए भी प्रशंसा के योग्य, सम्मानित और उनके द्वारा पुरस्कृत है। संस्कृत सर्वकालिक, सभी समय में, सभी काल में, सभी सार्वभौमिक, सभी महत्व को दिखाई पड़ती है। समय समय में प्रसिद्ध महापुरुषों ने, राजनायिकों ने संस्कृत विषय में अपने मन जुमन के विचार है वो प्रकट किए। इस पाठ में केशांचित कुछ महापुरुषों के संस्कृत केंद्र विचारों को संकलित किया गया है। आचार्य कहते हैं, हे छात्रों, भो छात्रा, ध्यान है श्रुणवंत, ध्यान से मुझे सुनो। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं, लेकिन महत्व नहीं जानते हैं। लेकिन संस्कृत विषय जो भारतीय विद्वान और विदेशी विद्वानों ने क्या कहा, क्या आप सब जानते हैं? तो सभी बच्चों ने कहा, छात्रों ने कहा, आचार्य, हाँ सर, न जानामि, मैं नहीं जानता, या हम न जानीम, हम नहीं जानते, ठीक है। इसके बाद आचार्य बोले, तो आज संस्कृत विषय में जो मूर्धन विद्वान हैं, प्रसिद्ध राजनेता आदि हैं, विदेशी विचारक हैं, उनकी चर्चा करेंगे। दिशा थी, आचार्य कौन कौन से भारतीय विद्वान संस्कृत विषय में बोला है ना, किसने किसने बोला है। तो आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, अनेक विद्वानों ने जिसमें राजनेता, साहित्यकार संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि भी हैं। उन्होंने तथा और विदेशी मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, पेपर, विलियम बॉब, हिरन आदि हैं, जिनके नाम उल्लेखनीय हैं। मृदुल बोला, आचार्य, महात्मा गांधी संस्कृत विषय क्या, महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय में क्या बोला? आचार्य बोले, महात्मा गांधी ने बोला, जो संस्कृत हमारी भारतीय भाषा की गंगा नदी है, हमें मुझे चिंता है कि यदि संस्कृत गंगा सूख जाएगी तो हमारी सभी भारतीय भाषाएं भी सारहीन हो जाएंगी, है ना। प्रत्युष्टात बोला, स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला? तो आचार्य कहते, विवेकानंद जी ने बोला कि संस्कृत का अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, इसके उच्चारण से ही ध्वनि, राष्ट्र की भाव, आत्मगौरव, उदात्त भाव आदि का विकास होता है। किंतु हम सब भारतीय संस्कृत के प्रचार प्रसार का प्रयत्न नहीं करते, यह खेद का विषय है। इसके बाद यजुष था, यजुष ने क्या बोला कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त सुनाई पड़ते थे। उन्होंने संस्कृत भाषा में क्या बोला, उनका क्या चिंतन था? आचार्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा, संस्कृत संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने बोला कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का उदात्त कोष, भारत की संपदा क्या है, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है,
तो मैं कहूंगा कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वांग्मय, ठीक है। अहम विश्व समी, मैं विश्व में संस्कृत भाषा जीवती है, जीती है, और जो हमारे भारत की राष्ट्र मूलभूत एकता है उसको भी दिखाती है। रजत ने बोला, और भी साहित्यकारों ने क्या क्या इच्छा जाहिर की? तो आचार्य बोले, हाँ संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकार राजनेता पंडित डॉक्टर संपूर्णानंद ने बोला कि संस्कृत ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत अमूल्य रत्न है। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए अभी मरणों के लिए भी संजीवनी के समान है। अपिचा साहित्य, कुछ एक साहित्य घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक थे, कौन? राहुल सांस्कृतायन, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमारी प्राचीन वाणी जो है संस्कृत रूप में आज विद्यमान है। तत्वतः हिंदी कथा साहित्य आदि के अध्ययन होता है। संस्कृत ग्रंथों अपि अध्ययन अध्यापन सर्वत्र, संस्कृत का भी अध्ययन अध्यापन हर जगह होता है। गिरिराज ने बोला, महर्षि अरविंद संस्कृत विषय का को अभिप्राय था? महर्षि अरविंद ने संस्कृत में क्या बोला? तो आचार्य ने बोला, महर्षि संस्कृत सरल संस्कृत भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। ऐसा भाव लेकर के श्री मातु ने भी कहा, क्या कहा? कि संस्कृत भाषा ही राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। अरे प्रसिद्ध नायक थे, उन्होंने संस्कृत की प्रशंसा की और महानता को स्वीकार किया, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत की अपितु मानव जाति का मूल्य धन है, है ना। पंकज ने क्या बोला? आचार्य अरे अन्य जो धर्म अवलंबी थे उन्होंने संस्कृत की प्रशंसा की क्या? आचार्य कहते हैं, हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय ने भी कहा कि मेरे मत से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम को संस्कृत पढ़नी चाहिए, ठीक है। और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुस्लिम अली छागला ने भी कहा कि मेरी यह इच्छा है कि मातृभाषा सा संस्कृत शिक्षा अनिवार्य हो। संस्कृत भाषा प्राचीन और नवीन नए के मध्य में पुल के समान काम करती है, ठीक है। सलीम था, आचार्य संस्कृत विषय में भारतीयों के मत क्या थे और इस समय वैदेशिक जो विषय है उनकी क्या इच्छा है, है ना, विदेशी जो है। आचार्य बोले, तुमने ठीक कहा, इस समय विदेशी विद्वान जो थे उन्होंने संस्कृत विषय में बहुत सारे मत प्रकट किए। विलियम ड्यूरेंट ने बोला, विख्यात पाश्चात्य समीक्षक थे, उन्होंने बोला कि भारत में हमारे जाति की जन्मभूमि है और संस्कृत यूरोपीय भाषा की जननी है। संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी, ईसाई धर्म बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी, ग्रामीण समुदाय स्वायत्त शासन और गणतंत्र की जननी एवं भारत माता में नाना प्रकार से जो फैली हुई है वो हमारी जननी है, माता है, ठीक है। जॉन थे वैदेशिक, जो मैक्स मूलर महोदय ने क्या बोला, जॉन पूछ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे अपन चलेंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट पे चलेंगे अपन।